नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर UPPCS 2023 की परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये सेशन आप लोगों के सामने है और UPPCS का ये करीब 8वां या 9वां लेक्चर है 2023 के लिए। इसमें आप इसको चाहे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के तहत समझ लें या आर ओ के तहत समझ लें। मैं दो तीन चीज़ें एकदम बता दूँ कि UPPCS, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और समीक्षा अधिकारी, जो तीन वैकेंसियाँ इस वर्ष आने की उम्मीद है। PCS तो खैर हर साल आता ही है, समीक्षा अधिकारी ऑलमोस्ट सर्टन है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऊपर लगभग संपूर्णता है कि ये वैकेंसी आएगी। इनका स्तर बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा होता है, एक जैसी प्रिपरेशन होती है, एक जैसी नीड होती है। बस नीचे की इन दोनों परीक्षाओं में थोड़ी सी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12, बस वो अलग है, बाकी और कुछ भी अलग से नहीं है। PCS के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। GS, सर्टन GS, एक लेवल का GS एक ही आयोग इस परीक्षा को लेता है और किस प्रकार के प्रश्नों को आपको जरूर से जरूर आना चाहिए उसके लिए ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल हो जाएगी, मदद कर देगी। और किस प्रकार के उत्कृष्ट क्वेश्चन आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, कैसे उसके एक्सप्लेनेशन को आपको लिखना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। आप क्वेश्चंस को तब अटेम्प्ट करिए जब आप साथ में कुछ पढ़ रहे हों, अगर नहीं पढ़ा तो डिप्रेस होंगे। चलिए क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या बात कर रहा है कि लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व किससे संबंधित है। पेपर में ये क्वेश्चन देखा होगा, इकोनॉमिक सेक्शन से ये क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। गिनी कोफिशिएंट सुना होगा आप लोगों ने, लॉरेंज कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि लॉरेंज कर्व किससे रिलेटेड है या लॉरेंज वक्र किससे रिलेटेड है। एक कुछ इस प्रकार का कर्व होता है लॉरेंज का, जिसमें कि कुछ इस तरह का एक कर्व बना हुआ दिखेगा आपको। ये एक्चुअली क्या है, लॉरेंज कर्व बताता है किसी भी समाज में, किसी भी देश के समाज में आर्थिक विषमता कितनी है, है ना, उसके पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर इकोनॉमिक या इनकम डिस्पैरिटी कितनी है, आय में कितना विषमता है। कि अगर जैसे आप, हम बोलते हैं ना कि इस देश के में वहाँ के समाज के 10% लोगों के पास, उच्च वर्ग के पास 90% जो वेल्थ है, पैसा है, जो 90% लोग हैं उनके पास 10% पैसा है, बहुत से ऐसे देश हैं, तो ये कैसे पता लगता है, उसके लिए ये लॉरेंज कर्व को यूज़ किया जाता है। लॉरेंज कर्व का जो ग्राफ है, जैसा मैंने अभी बनाया था, ये अगर इसमें ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी तो ये आदर्श कंडीशन होती है कि समाज में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्वालिटी वाला है, बिल्कुल बराबर। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि लॉरेंज कर्व में कितने एंगल पे एक आइडियल सोसाइटी होती है जिसमें कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिल्कुल नहीं होती है, यूनिफॉर्म होता है सब कुछ, कि लगभग सभी लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर होती है, उसमें 45 डिग्री का कोण बनता है। ये किसके बीच में है, ये इधर आप लगा लीजिए कम्युलेटिव शेयर ऑफ पॉपुलेशन और ये है कम्युलेटिव शेयर ऑफ इनकम, सीधे सीधे पॉपुलेशन और इनकम के शेयर में। लेकिन अब इसके वजह से जितना डाइवर्जन क्रिएट होता है वो एक्चुअली गैप कहलाता है लॉरेंज कर्व। ये जो हिस्सा है ये आपका लॉरेंज कर्व के नाम से जाना जाता है। जितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी होती है वो लॉरेंज वक्र के नाम, वक्र से ही पता लगती है, लॉरेंज के कर्व से ही पता लगती है। अगर कहीं पर कर्व छोटा होगा, कहीं पर कर्व अगर छोटा है तो मतलब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम है, कहीं पर अगर कर्व ज़्यादा बड़ा है तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर चलेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पेपर में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार मैं देख रहा हूँ 2018 के बाद से नरेगा के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मनरेगा दुनिया की, इनफैक्ट रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सबसे का सबसे बड़ा प्रोग्राम, रोजगार गारंटी योजना है ना, सबसे बड़ी कौन सी चली है भारत में, मनरेगा, भारत का दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम एक प्रकार से मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, है ना, ये इसके नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो 2 फरवरी 2006 को हुई थी, है ना, नरेगा के नाम से, किस नाम से, नरेगा, यूपीए गवर्नमेंट ने, तत्कालीन जो मनमोहन सरकार थी उसने ये शुरू किया था और फिर ये 2 अक्टूबर 2009 को ये एक्ट बन गया था पूरा, मतलब कि 2009 को इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बना दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी करीब योजना लगती है ये और करीब 60,000 से अधिक का बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है। हर वर्ष लगभग नरेगा में बजट का एलोकेशन इंक्रीज ही होता है। इससे पहले ट्राइसेम काम के बदले अनाज, भारत के पहले
ये योजनाएं थी समय समय पे काफी अंतराल के बाद। ये ट्राइसम भी काफी फेमस हुआ था, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं पूछा था कि सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम्स कौन सी है, वो है मनरेगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट को अगर आप देखें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में सड़कों की लंबाई में प्रथम स्टेट कौन सा है, क्वेश्चन कितना बन के कहाँ से आ सकता है। रोड्स, रोड्स पे भारत जबरदस्त काम कर रहा है, रोड पे जबरदस्त काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे भारत जबरदस्त काम कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन मुझे दिख रहा है इस बार आएगा। इस बार का बजट अगर आप देखेंगे तो उसमें गति जो स्कीम निकाली गई है, ये निकाली गई कि कैसे भारत का ट्रांसपोर्टेशन, भारत का जो लाइफ लाइन्स हैं उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कार्गो सेंटर्स बनाने के लिए, किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए, एक्सप्रेस वेज के लिए, फ्रेट कॉरिडोर्स के निर्माण किस प्रकार हो, है ना। ये सब हमारी लाइफ लाइन्स है किसी भी देश में, कि लाइफ लाइन जीवन रेखा है उनके परिवहन को बोला जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में सड़कों में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट आगे है, वो क्वेश्चन कैसे टिल्ट हो सकता है। अगर हम नेशनल हाईवे का जाल बोलें तो सबसे ज़्यादा जाल नेशनल हाईवे का यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगर हम स्टेट हाईवेज का बोलें, है ना, राजकीय सड़कों का बोलें, तो महाराष्ट्र है। लिखते जाओ इसको, एक लाइन में ही कितने क्वेश्चन बन गए हमारे, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बन गए। स्टेट हाईवेज के लिए महाराष्ट्र, मतलब सड़कों, कुल सड़कों के लिए महाराष्ट्र। नेशनल हाईवेज के लिए क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट में नेशनल हाईवेज ज़्यादा हैं, यूपी। एक और क्वेश्चन, इस रोड्स की सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सबसे ज़्यादा रोड घनत्व तो कहाँ पे है, मतलब खूब सारी, मतलब डेंसिटी एरिया के हिसाब से, वो है केरला। केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक है। तो तीन क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से निकल गए आपके। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है हमारा? NH 44, कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना, आपको याद होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में, यूरोप की तेल राजधानी, ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप, क्वेश्चन आया था ये, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं ना, और ये क्वेश्चन बड़ा सूट करता है इस टाइप का क्वेश्चन। आप याद रख लीजिए, यूरोप से क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज यूरोप में काफ़ी बड़ी समस्या हो गई है रशियन यूक्रेनियन वॉर के बाद, ठीक है। रशिया जो है पूरे यूरोप का एक प्रकार से इंजन है, फ्यूल्स के हिसाब से देखा जाए तो, खासतौर से जर्मनी जैसे देशों को, तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यूरोप का तेल राजधानी किसको जाना जाता है? एबरदीन। ये उत्तरी सागर है ना, उसमें एक स्थान है, बेसिकली ये स्कॉटलैंड की टेरिटरी में आता है, स्कॉटलैंड, है ना, स्कॉटलैंड, जिसका एक बड़ा फेमस शहर है ग्लासगो, एडिनबर्ग वगैरह, वहाँ उसके टेरिटरी में एबरदीन नाम का जो स्थान है, ये पूरे यूरोप का ऑयल कैपिटल के नाम से बोला जाता है। जैसे ओक्लाहोमा को बोला जाता है अमेरिका का, है ना, ऑयल कैपिटल, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पेपर में इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट, 4 गैसें लिखी हुई हैं, उनके वे गैसें कहाँ से निकलती हैं, इसमें से कौन सा रॉन्ग चुनना है, रॉन्ग कौन सा है। CO2 कहाँ से रिलीज होती है? थर्मल पावर स्टेशन से CO2 निकलती है, थर्मल पावर स्टेशन जहाँ बिजली बनाने का, तापी विद्युत गृह, हाँ जी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बिकॉज कोयला बर्न होता है ना, कोल बर्न होता है, तो करेक्ट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहाँ से निकलती है? ऑटोमोबाइल से, जी नहीं, ऑटोमोबाइल से तो खासतौर से कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, SO2 वगैरह निकलता है। CFC निकलता है रेफ्रिजरेंट से, रेफ्रिजरेंट, फ्रिज AC वगैरह जो यूज़ करते हैं, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, मेफ्रॉन श्रेणी की गैस है, ओजोन को नुकसान करती है। नाइट्रस ऑक्साइड पैडी राइस इलाके से मिलती है, मीथेन मिलता है वहाँ से, मीथेन मिलता है, ये भी गलत है, ठीक। SO2 ईंट के भट्टों पे जो काम करते, चिमनियाँ जलती हैं, तो SO2 मिलता है, ठीक है, SO2। लेकिन SO2 का भी मुख्य अगर देखा जाए ना, तो वेकुलर पोल्यूशन के साथ साथ जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है उसमें ज़्यादा निकलता है ये, ठीक। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट तो आपका ये वाला है, ठीक है, बाकी ये सब ध्यान देना है, SO2। लेकिन ब्रिक साइड से भी, ईंट के भट्टों से भी निकलती हैं, तो ये 2 तो हमारे रॉन्ग है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ये वन है इंडिया में, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसको बोलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव ट्रॉपिकल डेसीडुअस या अल्पाइन, है ना, और पतझड़ को क्या बोलते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, ये डेसीडुअस नहीं होगा, छोड़ो, शंकुधारी पतझड़। अब इनके बताने के कौन से वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं,
उष्ण कटिबंधीय वन, खास तौर से उन जहाँ वर्षा वगैरह ज़्यादा होती है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, है ना, या क्वेश्चन में आ जाएगा साइलेंट वैली, ये भी आता है क्वेश्चन में कि साइलेंट वैली में कौन सी वनस्पति है, केरल में है ना साइलेंट वैली, उष्ण कटिबंधीय है, बारिश खूब होती है उधर, कच्छ वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति, सुंदरवन, सुंदरवन, तो मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बंगाल का, या गुजरात में भी मैंग्रोव वनस्पति है, ठीक है। नेक्स्ट, शंकुधारी पहाड़ वाले, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, है ना, अल्पाइन वृक्ष जो हैं, पतझड़ राजस्थान, गुजरात, थोड़ा सा उत्तरी महाराष्ट्र का इलाका भी, ये सब पतझड़ वन, ठीक, क्लियर हो रहा है। ऐसे चीज़ों को करेंगे तो आपको आनंद आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण होता है, मतलब फ्रूट्स में ऐसा क्या होता है कि हमको मीठे लगते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज तो एक्चुअली होता है, लेकिन मीठेपन का क्या रीज़न है, मीठेपन का रीज़न है क्या लैक्टोस या माल्टोस या सुक्रोज, क्या आंसर है, फ्रक्टोस, फ्रक्टोस के प्रेजेंस के कारण ये मीठा लगता है। डन। नेक्स्ट, सुई चुभाने पर हमारे शरीर के किस अंग को, किस ऑर्गन को दर्द महसूस नहीं होता है, ऑप्शन आ जाएगा पाम आ जाएगा, चीक्स आ जाएंगे, स्टमक आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा, तो आंसर है ब्रेन, दिमाग, दिमाग में अगर आप निडल पॉइंट करेंगे तो पेन महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरम, संसद में बैठक होती है, बैठक बुलाई जाती है ना, संसद का सत्र लगता है, सेशन लगता है, तो उसमें कई बार एडजर्न करना पड़ता है, बैठक को रद्द करना पड़ता है, ऐसा क्यों, कि मिनिमम नंबर ऑफ लोग तो इकट्ठे हों कि चर्चा शुरू कर सकें, उसको बोलते हैं कोरम पूरा होना, कोरम एटलीस्ट इतने लोग हों कि प्रोसीडिंग्स हो सके हाउस की, उस मिनिमम नंबर को कोरम या गणपूर्ति बोला जाता है, वो कितना होता है, हाउस की कुल संख्या या स्ट्रेंथ का 1/10, मान लो लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो 1/10 हो गया 54.3, मतलब 55 लोग तो हों कम से कम, तब जाके बैठक हो पाएगी, अगर ये इससे कम लोग होते हैं संसद में, फिर उस दिन बैठक नहीं होती है, सदन नहीं चलता है, इसी को बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना आज्ञा के, बिना बताए कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, मतलब किसी पार्लियामेंटेरियन को डिसक्वालीफाई किया जाए अगर वो लगातार कितने दिन एबसेंट रहे, आंसर है 60 दिन, कितने दिन, 60 दिन, लेकिन इस 60 दिनों में वो दिन नहीं जोड़े जाएंगे जब संसद सत्र नहीं चल रहा है, बिना इन्फॉर्म किए, इन्फॉर्म करके गए तो कोई बात नहीं, बिना इन्फॉर्म किए, संसद के लगातार 60 दिनों तक अगर नहीं आते हैं सत्र चलते हुए, तो डिस्क्वालिफिकेशन उनका हो सकता है, लेकिन 4 दिन या उससे ज़्यादा का एडजर्नमेंट है उस दौरान नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टाइन को किस प्रिंसिपल के लिए, अपने किस प्रिंसिपल के लिए नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, आइंस्टाइन ने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए थे, हीट के ऊपर दिया था, रिलेटिविटी के ऊपर दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर दिया था, और उसके लिए उनको थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, ये 4 एलिमेंट बताए हुए हैं, सिलिकॉन है, चांदी है, अल्मीनियम है, ये इनके सिंबल हैं, सिलिकॉन, Ag मतलब सिल्वर, अल्मीनियम Al और Pb, इनमें से सबसे ज़्यादा सुचालक मतलब कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर है, याद रखना है ना, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा मतलब बिल्कुल कुचालक, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर कौन है, लेड है, सेमी कंडक्टर कौन है, सिलिकन है, जिसमें करंट पास भी होता है, नहीं भी, जो इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करे और कंडक्टर की तरह भी एक्ट करे, अल्मीनियम भी क्या है, कंडक्टर है, सिलिकॉन क्या है, इंसुलेट सेमी कंडक्टर है, और लेड क्या है, इंसुलेटर है, ध्यान देना है, एक क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन,
कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।